एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से लामबंद हो रहे हैं। आज किसान संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, साथ ही टीकरी बॉर्डर पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से गठित कमेटी की आज पहली औपचारिक बैठक भी है, जिसमें एमएसपी को प्रभावशाली बनाने और किसानों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी। इन किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिस तेजी के साथ एमएसपी को लेकर कानून बनना चाहिए था वो फिलहाल कहीं नजर नहीं आया। हालांकि कमेटी जरूर बनाई गई है, लेकिन ये कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपती है ये देखना होगा। इसको लेकर किसान आक्रोशित भी हैं। यही वजह है कि भारतीय किसान यूनियन ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। एक तरफ आज किसानों का प्रदर्शन होने वाला है तो दूसरी तरफ पुलिसिया व्यवस्था भी पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर किसानों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। इससे के मद्देनजर दिल्ली में दाखिल होने वाले जो बॉर्डर इलाके हैं उन बॉर्डर इलाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है, पक्के बैरिकेड लगाए गए हैं और कई वाहनों को चेक भी किया जा रहा है।